So guys, our today's outfits are sponsored by Champion. For those of you who don't know, Champion is an American brand which leads in athletic wear and street wear. So those of you who are living in Australia and New Zealand, please hit us up and we'll provide you with some promotional codes and make sure to check them out. Don't forget to check this stock out and embrace your inner champion. So guys, welcome back to LT Vlogs. आज का टॉपिक आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा कि आईएलटीएस वर्सेस पीटी, ठीक है। तो हम आज की वीडियो में आपको ये बताएंगे कि आप एज अ स्टूडेंट कौन सा एग्जाम देना चाहिए, राइट, विच इज़ ईजियर टू क्रैक, कौन सा एक्चुअली में बेटर है। तो आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। जो भी लोग यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हैं, जो भी टेस्ट देने का प्लान कर रहे हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का, सो उनके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली, तो एंड तक देखना, काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो गाइस, स्टार्टिंग विद द बेसिक्स, आईएलटीएस एंड पीटी दोनों एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम्स होते हैं जो हर इंटरनेशनल स्टूडेंट को देना होता है। दैट इज लाइक द मिनिमम क्राइटेरिया, ठीक है। तो पीटी इज ओनली फॉर ऑस्ट्रेलिया एक्सक्लूसिवली एंड आईएलटीएस इज मोस्टली रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये पॉइंट इज जस्ट अ बेसिक थिंग, तक आपको आइडिया हो जाए कि आईएलटीएस कहाँ का एप्लीकेबल होगा एंड पीटी कहाँ का एप्लीकेबल होगा। सो एडिंग ऑन टू दिस पॉइंट, बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि किस सिनेरियो में आइल्स बेटर है, किस सिनेरियो में पीटी बेटर है, इन दोनों में से इजी कौन सा है, कौन सा इजी होगा क्रैक करने के लिए, एंड हमारा पर्सनल ओपिनियन कौन सा है कि लाइक आपको दोनों एग्जाम में से कौन सा रेकमेंड करेंगे हम। सो इस वीडियो में हम वही बताएंगे। सो गाइस, अब बात करते हैं दोनों एग्जाम में ईजी कौन सा है। सो फ्रेंकली स्पीकिंग, ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे एंड कुछ डिफरेंसेस पे जो हम आपको इस पूरी वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं, एंड जिससे आप लोगों को ना क्लियर आइडिया हो जाए कि आपके लिए कौन सा एग्जाम इजी है, आइल्स या पीटी। सो अब स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहला पॉइंट आता है मोड ऑफ गिविंग द एग्जाम्स, ठीक है। अगर आप आइल्स देते हो तो यू हैव टू ऑप्शंस, आप रिटन भी दे सकते हो या आप उसको ऑनलाइन भी दे सकते हो, ऑनलाइन एज इन एट अ कंप्यूटर। बट अगर आप पीटी देते हो, पीटी इज एंटायरली बेस्ड ऑनलाइन, आपको एक सेंटर पर जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको प्रॉपर कंप्यूटर पे एग्जाम देना पड़ेगा ऑल द मॉड्यूल्स, सो कीप दैट इन माइंड। सो गाइस, नेक्स्ट मेजर डिफरेंस जो आइल्स और पीटी में होता है, वो होता है आपका स्पीकिंग मॉड्यूल में। आइल्स में आपका फेस टू फेस टेस्ट होता है, विच मीन्स यू हैव टू स्पीक टू अ पर्सन, एंड इन पीटी यू हैव टू स्पीक टू अ कंप्यूटर। सो आप डिसाइड कर लो आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल, इन फेस टू फेस टेस्ट और इन स्पीकिंग टू अ कंप्यूटर। तो गाइस, अगर हम अब लिसनिंग मॉड्यूल की बात करें, तो अगर आप आइल्स दे रहे हो तो लिसनिंग मॉड्यूल्स में आई गेस यू विल हैव 4 to 5 क्वेश्चंस जो कि काफ़ी लॉन्ग होंगे और काफ़ी लेंदी होंगे, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप पीटी देते हो तो लिसनिंग मॉड्यूल में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे बट क्वांटिटी ज़्यादा होगी। सो इन दी एंड इट्स अप टू यू कि आपको लंबे क्वेश्चंस करने हैं बट जिनकी क्वांटिटी कम हो, या आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस करने हैं जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो, ठीक है। तो टोटली अप टू यू, लाइक जो आपको बेटर लगे आप उसके अकॉर्डिंग चूज कर लो। सो गाइज, एक और चीज़ जिस पर आपका डिसीजन डिपेंड करता है, वो है कि आपकी अगर राइटिंग स्पीड अच्छी है तो आई वुड प्रेफर कि आप आइल्स दो, एंड अगर आपको लगता है कि आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो प्लीज़ गो फॉर पीटी, क्योंकि देखो एंड में क्या होता है, टाइम सेव करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ़ यू थिंक आपकी हैंड राइटिंग पहली बात तो क्लियर है, आप अच्छा लिख लेते हो एंड योर स्पीड इज़ गुड, देन गो फॉर आइल्स। इफ योर टाइपिंग स्पीड इज़ गुड, देन प्लीज़ गो फॉर पीटी। तो अब बात करते हैं एग्ज़ाम ड्यूरेशन की। आइल्स में आपके 3 मॉड्यूल एक ही दिन के अंदर हो जाते हैं। स्पीकिंग के लिए आपको अलग से दिन जाना पड़ता है, वो चाहे आपका नेक्स्ट डे भी हो सकता है या पूरा नेक्स्ट वीक हो सकता है, वो डिपेंड करता है। इससे होता क्या कि टोटल ड्यूरेशन बढ़ जाती है एग्ज़ाम की। और अगर हम बात करें पीटी की, पीटी में आपके चारों मॉड्यूल 3 घंटे के अंदर समाप्त हो जाते हैं। सो गाइस, टॉकिंग अबाउट द राइटिंग सेक्शन, आइल्स का जो राइटिंग सेक्शन होता है उसमें 2 क्वेश्चन होते हैं, बट दोज 2 क्वेश्चन आर वेरी लेंदी एंड वेरी टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, पी टी में भी 2 ही क्वेश्चन होते हैं, बट अगेन देर आर कंपेरेटिवली ईजी, बट दे हैव अ लिमिटेड टाइम फ्रेम विच इज़ लेस देन आइल्स। सो इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा बेटर लग रहा है एंड अकॉर्डिंगली यू कैन टेक अ डिसीजन। तो अब बात करते हैं किस एनवायरमेंट में आप लोग एग्जाम दोगे। तो अगर मैं आइल्स के पेपर की बात करूं, तो वो तो नॉर्मल पेपर होता है जो हम बचपन से देते आ रहे होते हैं, नर्सरी से लेके कॉलेज तक, पेन पेपर। एंड अगर मैं पीटी की बात करूं, तो पीटी में होता है आपका बहुत बड़ा रूम होता है, बहुत सारे एक सिस्टम लगे होते हैं, उनके बीच में सेपरेशन होती है, सीसीटीवी कैमरा होता है, एंड हर सिस्टम के पीछे एक इन्विजिलेटर खड़ा होता है जो आपकी हर एक सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा होता है।
इसकी वजह से बहुत सारे बंदों को प्रेशर फील होता है, उसकी वजह से उनके नर्वस फील करते हैं एंड एग्ज़ाम बिगड़ जाते हैं, फुल पोटेंशियल से एग्ज़ाम दे नहीं पाते. सो और ये भी चीज़ ना हर बंदे के साथ नहीं होती, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता, क्योंकि कुछ लोग नर्वस हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं होते. सो गाइस नेक्स्ट बात करते हैं जो इनका रिजल्ट आता है. ठीक है, तो यार अगर आपने आइल्स दिया है तो उसका रिजल्ट एग्जैक्टली विद इन 2 वीक्स आ जाता है. लाइक 14 डेज का टाइम स्पैन होता है, 14th डे को आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा, विच इज़ आई थिंक इज़ ए प्रीटी लॉन्ग पीरियड. क्योंकि अगर आप PT देते हो, PT में विद इन 24 आवर्स आपका रिजल्ट आ जाता है, एंड इन सम स्पेशल केसेज दैट गोज़ अप टिल 5 डेज मैक्स टू मैक्स. सो इफ़ यू आर लुकिंग टू सेव ऑन टाइम, आई वुड से कि गो फॉर PT. सो द गाइस नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम मैनेजमेंट. अगर आप IELTS का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग काफ़ी एम्पल टाइम होता है, विच इज़ जस्टिफाइड टू द क्वेश्चन, विच मीन्स ना तो आपको कम टाइम मिल रहा है ना आपको ज़्यादा टाइम मिल रहा है, एकदम एक्यूरेट टाइम देते हैं आपको क्वेश्चंस करने के लिए. बट अगर मैं PTE की बात करूँ तो उसमें लिमिटेड टाइम गिवन होता है हर एक क्वेश्चन के लिए. सो फॉर एग्जाम्पल आपने एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगा दिया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपके पास कम टाइम बचेगा, तो बंदा प्रेशर में आता रहता है कि मेरे लिए टाइम कम बचा, तो उनका मोरल डाउन होता है, नर्वस होते जाते हैं, एंड उसकी वजह से उनके नेक्स्ट के जो क्वेश्चन रिमेनिंग क्वेश्चन होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं. सो गाइस नेक्स्ट पॉइंट आता है जो आपके रिजल्ट आता है. ठीक है, तो जो IELTS की जो मार्कशीट आती है आपकी, उसमें सिर्फ आपके स्कोर्स लिखे होते हैं हर मॉड्यूल के, विच इज़ 4 मॉड्यूल्स 4 स्कोर्स. ठीक है, बट अगर हम PTE की मार्कशीट की बात करें तो PTE की मार्कशीट में आपके मार्क्स तो होते ही हैं, उसके साथ आपकी कहाँ कहाँ स्ट्रेंथ्स रही हैं, क्या क्या आपकी वीकनेसेस रही हैं वो मेंशनड होती हैं. नाउ ये किसको हेल्प करते हैं? ठीक है, तो लाइक मान लो अगर आप फेल हो गए हो एक अटेम्प्ट में, नेक्स्ट अटेम्प्ट में यू कैन फोकस ऑन योर वीकनेसेस, वर्क ऑन देम एंड देन गिव द पेपर अगेन. तो गाइस अभी हम कर रहे थे एडिटिंग, तो रियलाइज़ हुआ कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपको बताना ही भूल गए, हमारा पर्सनल ओपिनियन क्या है IELTS और PTE में. सो फ्रेंकली स्पीकिंग हमने दिया था IELTS. अब हमने IELTS क्यों दिया था, इसके बेसिकली 2 रीज़न थे. ठीक है, पहला रीज़न ये कि हमारी बेसिक इंग्लिश यू नो स्ट्रॉन्ग थी, तो IELTS हमें इतना टफ नहीं लगा एंड ना ही हमें उसकी इतनी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग लेनी पड़ी. ठीक है, टू क्रैक दैट थिंग. सेकेंड पार्ट ये था कि हमने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई नहीं किया था, वी हैड अप्लाइड टू अदर कंट्रीज जहाँ पे ऑब्वियसली IELTS रिकॉग्नाइज्ड है एंड PTE नहीं है. ठीक है, तो यार अगर आपका मोटिव सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही आना है तो यार आप PTE दे दो, नॉट अ बिग डील. एंड इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अदर कंट्रीज एज वेल, देन आई वुड सजेस्ट कि यू गो फॉर IELTS. एंड टू कंक्लूड कि IELTS बेटर है या PTE बेटर है, वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करेगा. पहला है आपकी इंडिविजुअल स्किल्स, की ग्रामर कैसी अच्छी है, इंग्लिश बेस कितना स्ट्रॉन्ग है. सेकंड, जो भी हमने आपको फैक्टर्स बताए, हमने आपको IELTS के और PTE के प्रोज एंड कॉन्स बता दिए हैं. अगर आपको लग रहा है आपके लिए IELTS बेटर है सो गो फॉर IELTS, अगर आपको लग रहा है मेरी स्किल्स PTE के लिए ज़्यादा बेटर है तो गो फॉर PTE, इट्स टोटली अप टू यू. एंड भाई जिनके वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है ना उनको ज़्यादा कोचिंग में लेनी पड़ेगी, तो फालतू में ना खर्चा मत करना, यू विल गेट अ हैंड ऑफ इट प्रीटी इजिली, थोड़ी बहुत बुक्स खरीद लेना एंड इट विल गेट डन विद. सो गाइज ये थी आज की वीडियो अबाउट IELTS, अबाउट PTE, विच वन शुड यू प्रीफर, एंड आई होप हमने आपको क्लियरली पॉइंट समझा दिए हैं विच शुड इन्फ्लुएंस योर डिसीजन कि आप IELTS दो या PTE दो. एंड गाइज हमने पिछली वीडियोज में बताया था कि हम Q&A वाली वीडियो पर फोकस कर रहे हैं, तो आपके कोई भी डाउट्स हो या कोई भी इंक्वायरी हो कमेंट सेक्शन में वेट बता दो, हम उनकी प्रॉपर एक कंपाइल वीडियो बता देंगे जिसमें सभी के डाउट्स क्लियर हो जाएँ. एंड वही अपना स्टैंडर्ड लाइन, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कीप सपोर्टिंग अस, कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स, एंड क्योंकि लाइक्स है ना एक मोटिवेशन फैक्टर बहुत होता है, सो मेक श्योर यू डू दैट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.